भारत में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, इसे एक फेस्टिवल के तौर पर देखा जाता है। और क्रिकेट के सभी टूर्नामेंट में से आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद सबसे पॉपुलर है आईपीएल। हर साल मार्च से लेकर मई के बीच इस आईपीएल को अरेंज किया जाता है। आईपीएल 2024 की अगर बात करें तो इस साल टोटल 10 टीम्स भारत के 12 अलग अलग स्टेडियम में मैच खेलेगी। इस बार आईपीएल में शायद कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है, क्योंकि इस साल ज्यादातर टीम में प्लेयर्स और कैप्टन चेंज हुई है। जैसे कि हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे, वह मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन गए और रोहित शर्मा को कैप्टन से हटा दिया गया। एमएस धोनी अब सीएसके के कैप्टन नहीं रहे, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी दे दिया। मार्करम के बदले पैट कमिंस को इस साल सनराइजर हैदराबाद का कैप्टन बनाया गया। ऋषभ पंत जो कि पिछले साल एक सीरियस इंजरी के कारण आईपीएल नहीं खेल सके, वो इस साल फिर से आईपीएल खेल रहे हैं और उनको दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बनाया गया। इस साल आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है मिचेल स्टार्क, जिसे केकेआर ने 24 करोड़ में खरीदा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल टीम्स आखिर पैसा कैसे कमाती है? क्या है आईपीएल का बिजनेस मॉडल और क्या है इसका इतिहास? तो आइए इस वीडियो में इन सब सवालों का जवाब एक एक करके देखते हैं। आईपीएल का बिजनेस मॉडल जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आईपीएल आखिर शुरू हुआ कैसे। तो ये बात है 2007 की, जिस साल भारत ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। इस समय ललित मोदी और BCCI ने देखा कि भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट लीग का बहुत बड़ा मार्केट है। इसके पीछे दो मेन कारण है, एक तो इंडिया ने 2007 का वर्ल्ड कप जीता था और इंडियंस को यह T20 फॉर्मेट बहुत पसंद आया। दूसरा कि यह T20 मैच सिर्फ 3 से 4 घंटे में ही खत्म हो जाती है, तो फैंस को लगातार 8 घंटे बैठकर ODI मैच और 5 दिनों तक चलने वाला टेस्ट मैच देखने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद ही कि आपने आज तक कितने ODI मैचेस शुरू से लेकर एंड तक देखे हो? मुश्किल से शायद 1-2 या फिर 1 भी नहीं। लेकिन आप बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा T20 मैच देख लेते हो और इसमें आपको बोरिंग फील भी नहीं होता। इसके अलावा BCCI ने यह भी देखा कि समर सीजन में इंडियंस, खासतौर पर यंग इंडियंस का स्कूल कॉलेज गर्मी की वजह से बंद रहता है और उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खास चीजें भी नहीं मिलता। तो अगर इस मार्च से मई के बीच एक क्रिकेट टूर्नामेंट को अरेंज किया जाएगा तो उनको आसानी से बहुत सारा ऑडियंस मिल पाएगा। इसके साथ साथ उस समय दुनिया भर में लीग गेम्स बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था, जो कि पैसा और ऑडियंस दोनों को ही अट्रैक्ट करी थी। एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लैंड का इंग्लिश प्रीमियर लीग और नॉर्थ अमेरिका का नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, या कहते NBA। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से BCCI इंडियन ऑडियंस के लिए एक सेम लीग टूर्नामेंट को लॉन्च करना चाहता था। और यहाँ से ही दोस्तों IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का जन्म हुआ। लेकिन IPL शुरू होने के पहले ही भारत में क्रिकेट लीग शुरू हो चुका था। इसका नाम था ICL यानी इंडियन क्रिकेट लीग और इसे एक प्राइवेट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ने शुरू किया था। ICL का कंसेप्ट बिल्कुल IPL जैसा ही था, जिसमें अलग अलग शहरों के टीम्स होते थे। ये टीम्स प्लेयर्स को खरीदते थे और उनके बीच में ही मैच होता था। लेकिन इस ICL को ना तो हमारे क्रिकेट बोर्ड BCCI ने और ना ही ICC ने रिकॉग्नाइज किया। BCCI ने यह तक कह दिया था कि जो प्लेयर्स इस ICL में खेलेगा हम उसे लाइफ टाइम बैन कर देंगे। तो जाहिर तौर पे सभी प्लेयर्स धीरे धीरे इस ICL में खेलना बंद कर दिया और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर ये ICL डूब गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ज्यादातर लोग BCCI को एक सरकारी एजेंसी मानती है, लेकिन असल में BCCI भी एक प्राइवेट बॉडी है जिसके साथ हमारे देश की सरकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ICC के मुताबिक सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और उनके ऊपर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, इसलिए BCCI भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अब बात करते हैं IPL के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो इस पूरे गेम में 4 मेन कंपोनेंट है। नंबर 1 ब्रॉडकास्टर्स यानी जिस चैनल में IPL मैचेस देखते हो। दूसरा IPL के टीम्स जिसे ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज या तो किसी पर्सन के द्वारा, जैसे कि शाहरुख खान KKR का ओनर है, रिलायंस कंपनी मुंबई इंडियंस का ओनर है। तीसरा कंपोनेंट है स्पॉन्सर यानी जो प्राइवेट कंपनीज IPL मैचेस को स्पॉन्सर करती है। ये कंपनीज IPL टीम्स और TV चैनल्स को उनका एड दिखाने के लिए पैसा देती है, जैसे कि वीवो, ड्रीम इलेवन, टाटा वगैरह। और चौथा कंपोनेंट है BCCI जो कि IPL के बॉडी है, मतलब IPL के सभी मैचेस को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी BCCI के ऊपर है। अब यहाँ पर BCCI की इनकम का 2 मेन सोर्स है। पहला है स्पॉन्सर जो कि BCCI को पैसा देती है। स्पॉन्सर भी 2 टाइप का होता है, एक है टाइटल स्पॉन्सर। आपने शायद देखा होगा कि IPL को सिर्फ IPL नहीं बोला जाता, इसे वीवो IPL, टाटा IPL, पेप्सी IPL ये सब बोला जाता है और इसे ही कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर। ये कंपनी टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए BCCI को बहुत सारा पैसा देती है। IPL शुरू होने के बाद पहले 5 सालों तक DLF कंपनी टाइटल स्पॉन्सर था। उन्होंने इस समय हर साल 40 करोड़ BCCI को दिया टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। इसके बाद पेप्सी IPL के 6th सीजन में टाइटल स्पॉन्सर बना। इस समय पेप्सी ने 79 करोड़ रुपए पर ईयर खर्च किया टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। फिर वीवो ने 2016-17 में 100 करोड़ पर ईयर और 2018-19 में 400 करोड़ पर ईयर खर्च किया। 2020 में वीवो टाइटल स्पॉन्सर नहीं बना, क्योंकि इस समय इंडिया और चाइना के बीच गलवान वैली को लेकर कुछ सीमा विवाद चल रही थी और वीवो एक चाइनीज कंपनी है। इस साल IPL का टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम इलेवन। इसके बाद 2021 में वीवो फिर से टाइटल स्पॉन्सर बन गया, जिसके लिए वीवो ने
440 करोड़ रुपए खर्च किया। अब 2022 से टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। उन्होंने पहले 2022 और 23 के लिए पैसा दिया था, लेकिन इस साल यानी 2024 में टाटा फिर से टाइटल स्पॉन्सर बना और अगले 5 सालों तक टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना रहेगा, जिसके लिए उन्होंने 2500 करोड़ रुपए यानी हर सीजन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया। अब इस टाइटल स्पॉन्सर से बीसीसीआई को जितना पैसा मिलता है उसका 50% ये अपने पास रख लेते हैं और बाकी का 50% सभी टीम्स में बांट देते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी के स्पॉन्सर है और वो है ऑफिशियल स्पॉन्सर। कई ब्रांड्स आईपीएल के अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करती है, जैसे कि एक फिनटेक कंपनी क्रेड का नाम अपने पावर प्ले के समय सुना होगा, तो यहाँ पर क्रेड बीसीसीआई को पैसा देती है उनका नाम पावर प्ले में यूज करने के लिए। इसके अलावा सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को भी आपने सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएट टायर कंपनी ने 48 करोड़ रुपए पे किया है टाइम आउट के दौरान उनका नाम यूज करने के लिए। अब स्पॉन्सर के अलावा बीसीसीआई की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचना। आईपीएल को तो किसी न किसी टीवी चैनल में प्ले किया ही जाएगा, हर चैनल चाहेगा कि आईपीएल उनके चैनल में दिखाया जाए क्योंकि इससे उनको बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। इसलिए बीसीसीआई इन चैनल्स को पैसों के बदले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देती है। आईपीएल शुरू होने के बाद पहले 10 सालों तक ये राइट्स सोनी के पास था और इसके लिए सोनी ने टोटल 8200 करोड़ रुपए मतलब हर सीजन के लिए 820 करोड़ रुपए खर्च किया। इसके बाद साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने 16400 करोड़ रुपए देकर ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले लिया। उन्होंने इस राइट्स को अगले 5 सालों के लिए खरीदा था। 2023 में स्टार स्पोर्ट्स ने फिर से टीवी राइट्स ले लिया, इसलिए इस साल भी आईपीएल स्टार स्पोर्ट्स में ही दिखाया जा रहा है। टीवी राइट्स के अलावा डिजिटल मीडिया राइट्स बेचना भी कमाई करने का एक जरिया है। इस साल जियो सिनेमा ने डिजिटल मीडिया राइट्स खरीदा है। अब यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि आप जियो सिनेमा में फ्री ऑफ कॉस्ट आईपीएल देख सकते हैं। इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से बीसीसीआई को जितना पैसा मिलता है उसका 50% ये अपने पास रख लेते हैं और बाकी का 50% आईपीएल टीम्स को दे देते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए इतना ज्यादा पैसा देती है, जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स ने 2023 से लेकर 2027 इन 5 सालों के लिए 23000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया है, तो क्या उनको सच में इतना भी प्रॉफिट होता है? तो इसका आंसर है यस। आईपीएल 2024 के दौरान अगर कोई कंपनी स्टार स्पोर्ट्स में सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपना ऐड दिखाना चाहेगा तो उसको 17 से 18 लाख रुपए खर्च करना होगा। अब आप सोचो कि एक आईपीएल मैच में लगभग 38 मिनट तक ऐड दिखाया जाता है, तो स्टार स्पोर्ट्स को इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट होता होगा। अब बात करते हैं आईपीएल टीम्स के बारे में। इन आईपीएल टीम्स को किसी बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज के द्वारा ओन किया जाता है। जब एक आईपीएल टीम बनता है तब जो इस टीम का ओनर है उनको प्लेयर्स को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। इसके साथ साथ ही प्लेयर्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट भी इन टीम्स को उठाना पड़ता है। कुल मिलाकर एक आईपीएल टीम के ओनर को 150 से लेकर 1200 करोड़ रुपए खर्च करना होता है। तो टीम ओनर आखिर कहां से पैसा कमाता है? एक तो बीसीसीआई को जितना पैसा मिलता है उसका 50% इन टीम्स को देना पड़ता है, लेकिन एक टीम बनाने के लिए जितना खर्चा होता है उसके मुकाबले पैसा नहीं है, तो यह टीम भी स्पॉन्सरशिप से ही पैसा कमाती है। एक टीम के जर्सी को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 10 अलग अलग जगहों में ब्रांड्स का नाम दिया रहता है, तो ये ब्रांड्स इन टीम्स को पैसा देती है उनका लोगो अपने जर्सी में लगाने के लिए। इसके अलावा स्टेडियम में जो लोग मैच देखने जाते हैं उनको टिकट लेना पड़ता है और टिकट बेच कर जो पैसा आता है उसका 80% इन टीम्स को मिलता है और बाकी का 20% मिलता है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को। जैसे कि अगर चेन्नई में मैच हो रहा है तो सीएसके को टिकट रेवेन्यू का 80% और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को 20% पैसा मिलेगा। अब आईपीएल में सभी टीम साथ होम मैचेस खेलती है, तो यहाँ पर सभी को पैसा कमाने का सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब यहाँ पर एक खास बात यह है कि जिस टीम का होम स्टेडियम जितना बड़ा होगा उसका कमाई उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा लोग एक साथ मैच देख पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे गुजरात टाइटंस का होम स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 132,000 लोगों की है। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की होम स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 25,000 लोगों की है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस का टिकट रेवेन्यू राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होगा। तो ये टिकट कलेक्शन, मर्चेंडाइजिंग और फूड बेवरेजेस बेचकर टीम्स को जो पैसा है उनके टोटल रेवेन्यू का 20% है। अब अंत में आता है प्राइज मनी। जो भी टीम इस आईपीएल 2024 में चैंपियन बनेगा उसको 30 करोड़ का प्राइज मनी दिया जाएगा और रनर आपको मिलेगा 10 करोड़। इस प्राइज मनी से जो पैसा मिलता है उसका 50% जाता है टीम ओनर के पास और बाकी बचे 50% प्लेयर्स को मिलता है। अगर आप एक टीम ओनर के साइड से देखोगे तो ये प्राइज मनी उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि सभी टीम को तो ये प्राइज मनी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टीम ओनर के लिए प्राइज मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड वैल्यू। जो टीम जितना ज्यादा आईपीएल मैच जीतेगा उसका ब्रांड वैल्यू उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। जैसे कि मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला फ्रेंचाइजी है, तो उसका ब्रांड वैल्यू भी दूसरे टीम्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है, करीब 87 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों यह था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।